नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं बात करूंगा TikTok को लेकर। TikTok लगातार जिस तरह दिन दिन ब दिन इंडिया में बैन करने की मांग उठ रही है, उस पर इसके बाद एक के बाद एक राजनेता हो गए, बहुत सारे अभिनेता भी इसमें कूद पड़े हैं। जिस तरह करीम इनयाती का वीडियो डिलीट हुआ, उसके बाद फैजल सिद्दीकी ने जो गलत व्यवहार किया लड़कियों के साथ, जो मैसेज वो इस समय वायरल हुआ, उनका काफ़ी बहुत ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम में डाल दिया। उनका अकाउंट भी क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। टिकटॉक की रेटिंग क्या चल रही है आज, जो कि काफ़ी कम हो गई। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही वीडियो शेयर करें, क्योंकि टिकटॉक को इंडिया में लाजिम बैन करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह ये लगातार सभी रोस्ट लोग, कुछ लोग ऐसे जो टिकटॉक को, पूरे टिकटॉक को तो गलत नहीं कह सकते, लेकिन टिकटॉक पे कुछ गलत आदमियों की वजह से इस समय टिकटॉक काफ़ी मुसीबत में आ चुका है। टिकटॉक भी वैसे गलत वीडियो को ज़्यादा फेमस कर रहा हूँ। ये बात करें कि फैजल सिद्दीकी की, जो कि आपको बता दूँ उनका अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया गया, उनके अकाउंट को डिलीट कर दिया गया, अभी परमानेंटली डिलीट किया गया या कुछ दिनों के लिए डिलीट किया गया, इसके बारे में तो जानकारी नहीं थी। क्योंकि टिकटॉक ने सफाई भी दी है कि हम उनका अकाउंट टर्मिनेट कर रहे हैं। क्योंकि लगातार आपको मालूम होगा टिकटॉक को बैन करने के लिए, जो कि परेश रावल भी इस मामले में कूद चुके हैं, उन्होंने कहा कि टिकटॉक को इंडिया में बैन किया जाए। उसके बाद महिला आयोग हैं, जो कि पूजा भट्ट हैं, उन्होंने पूजा जी हैं, उन्होंने भी जो कि जो एसिड अटैक वाला वीडियो उन्होंने बनाया था फैजल सिद्दीकी का, आपने देखा होगा कि बोलते हैं लड़की, मतलब लड़की अगर जो आपके साथ नहीं सेट हो रही है तो उसके बाद क्या करो, उस पर एसिड डाल दो, ये मैसेज वो दे रहे हैं। जो कि अपने आप को टिकटॉक का स्टार, बहुत बड़े स्टार, मतलब बोलते हैं 1 साल का मेहनत करके मैंने इतना मुकाम हासिल किया, लेकिन क्या मैसेज क्या दे रहे हैं कि लड़की के ऊपर एसिड फेंक दो अगर जो आपके साथ नहीं रिलेशन बनाना चाहती या नहीं रहना चाहती। वहीं आपको बता दें करीम इनयाती ने भी सीधा कहा कि भाई वो वीडियो वीडियो लगभग 78 मिलियन व्यूज उस पर आ चुके थे। 78 मिलियन व्यूज का मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये रिकॉर्ड, सभी एक थोड़े दिन में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाता है, लेकिन ये वीडियो डिलीट हो गया। वीडियो डिलीट होने में सबसे ज़्यादा फायदा तो यूट्यूब का है, यूट्यूब जो चाहता था वही हो रहा। क्योंकि सब इस समय इंडिया की बात करें तो इंडिया में सब जगह ट्विटर से लेकर फेसबुक तक भी यही ट्रेंड, यूट्यूब पर भी यही ट्रेंड है कि टिकटॉक बैन इंडिया, टिकटॉक बैन इंडिया। क्योंकि इसमें इसीलिए फ़ायदा हो रहा है क्योंकि जिस तरह टिकटॉक पॉपुलर होता जा रहा था, उसके बाद उसकी रेटिंग एक बैग नीचे आ चुकी है। उसकी रेटिंग की बात करें तो इस समय बात करें अभी जो प्ले स्टोर पर चल रही है, 1.2 पे चल रही है, और 4 दिन पहले बात करें तो ये 4.6 पर चल रही थी, 4.6 पे चल रही थी, अभी 1.2 पे रेटिंग है इसकी प्ले स्टोर की। आने वाले वक्तों में हो सकता है ये और माइनस होता जाएगा दिन ब दिन, क्योंकि इसकी रेटिंग लगातार घटती जा रही है, दिन ब दिन घट रहा है भाई। अगर जो आप भी टिकटॉक चलाते हैं तो आपकी जो मर्जी जो करें, डिलीट करें नहीं तो ना डिलीट करें, क्योंकि टिकटॉक पूरा गलत नहीं है, कुछ लोग हैं जो उसको काफ़ी गलत बना चुके हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।